कौशाम्बी जिले में इस वक्त लव जिहाद एक षड्यंत्र के तहत मदरसा छाप लोग हिंदू बेटियों को अपने भ्रमजाल में लव जिहाद में फंसाकर उन्हें अगवा कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे हिंदू संगठन के लोग जो हैं बेहद नाराज हैं। नाराज इस बात से कि प्रदेश में सख्त कानून बनने के बाद भी भला कैसे कोई लव जिहाद कर सकता है। पहले इन लोगों का हंगामा देखिए, फिर पूरा माजरा बताएंगे। लैंड जिहाद नहीं चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आने से बेहद नाराज हुए हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को सिराथू की सड़कों पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर खुली चेतावनी दी कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो लाखों हिंदू सड़कों पर उतरेगा। चेतावनी मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले ने उस वक्त और तेज रंग ले लिया जब कौशाम्बी के कई इलाकों से लव जिहाद के कई मामले सामने आए। इस दौरान मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र से पहले एक युवती ने वीडियो वायरल कर अपने आप को पिता द्वारा बंधक बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि लड़की किसी मुस्लिम युवक के साथ रह रही है। उसी के ही इशारे पर वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। लड़की के पिता ने लड़के द्वारा बहला फुजला कर धर्म परिवर्तन की बात कही गई। इसकी जानकारी होते ही हिंदूवादी संगठनों में उबाल आ गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में सिराथू पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सिराथू ओवरब्रिज पर घंटों हंगामा किया। मेरे बाप ने मुझे 6 महीने से घर पर बंधक बना के रखा है, मैं शोषण कर रहा है, अब मुझे चारी करके बेचना चाहता है। प्लीज जिसको भी ये वीडियो मिले मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को सरकारी अधिकारियों तक पहुँचा दे, प्रशासन तक पहुँचा दे, जिससे इसको मेरे बाप को सख्त से सख्त सजा मिले। मुझे रोज माता पिता और ना केवल शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी दे, कृपया मेरी मदद कीजिए। इतना ही नहीं, सिराथू सर्कल में 3 दिन पहले भी कड़ा धाम थाना क्षेत्र की एक युवती ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए अपने साथ हुई हैवानियत पर इंसाफ मांगा है। पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के आरोपी फैजान ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और प्रेग्नेंट हो जाने पर जबरदस्ती अपनी मां के साथ मिलकर उसे अबॉर्शन की दवा खिलाई। इन्हीं घटनाओं को देखकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरा और जमकर विरोध किया। हिंदूवादी नेता वेद प्रकाश सत्यार्थी ने इसे लव जिहाद का नाम देते हुए सैयद सरावा स्थित मदरसे को जिम्मेदार ठहराया। वेद प्रकाश ने कहा कि मदरसा बाकायदा मुस्लिम युवकों को इस काम को अंजाम देने के लिए फंडिंग मुहैया कराता है, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब भी जिला प्रशासन नहीं चेता तो 10 दिन बाद लाखों हिंदू जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा। इस वक्त लव जिहाद एक षड्यंत्र के तहत मदरसा छाप लोग हिंदू बेटियों को अपने भ्रमजाल में लव जिहाद में फंसाकर उन्हें अगवा कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। आज जो यहाँ मामला है वो पैंसा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहाँ से एक जिहादी ने हमारी बेटी को अगवा किया है और 15 दिन होने के बाद आज तक बरामद नहीं हुई। 10 दिन बाद मुकदमा लिखा जाता है, जो दिखाता है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में बहुत ही लापरवाह रहा है। ये अकेले यहाँ का मामला नहीं है, कड़ा धाम में लव जिहाद, उसमें मुकदमा, पश्चिम शरीरा, सराय अकील, पूरा मुफ्ती, पिपरी जिले के सारे थानों में यह मुकदमे, यह मामले जो साजिश हो रहा है। मैंने इस ज्ञापन में लिखा भी है, अपने यहाँ सैयद सरावा के मदरसे से इस बात की फंडिंग हो रही है, मदरसे वाले लव जिहाद करने के लिए पैसा बांट रहे हैं और हमने प्रशासन को लिखा पड़ी पूर्व में इसको दिया है, उसके बाद भी इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जो है ये प्रदर्शन इसी मांग को लेके हो रहा है कि लव जिहाद करने वाले और उसे कराने वाले दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह आज शुरुआत है, अगर प्रशासन आज नहीं चेता तो 10 दिन बाद यही जिला मुख्यालय में हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज लाखों की संख्या में उतर के प्रशासन, जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो वहीं इन्हीं घटनाओं को लेकर अब कौशाम्बी में हिंदू संगठनों का हंगामा देखने को मिल रहा है।
जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी हैरान करने वाली बात है। कौशाम्बी के नगर पंचायत सिराथू स्थित पुलिस चौकी के सामने बीच दोपहर को अचानक हजारों की संख्या में हाथों में तख्तियां लिए हुए हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर तमाम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और वहां जमा हुई भीड़ को मान मनहोल करने लगे। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद, आश्वासन देने के बाद यह भीड़ वहां से गई। यह पूरा मामला दरअसल मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा हुआ है, जहां बीते कुछ दिनों पूर्व गायब हुई एक युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसके बाद युवती के पिता ने एक मुस्लिम धर्म के युवक पर यह आरोप लगाया है कि उसने उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करा दिया। जैसे ही यह खबर बाहर आई तो तमाम हिंदूवादी संगठन के नेताओं और लोगों में आक्रोश आ गया। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और प्रदर्शन करने लगी। इस बीच प्रदर्शन में शामिल हुए हिंदूवादी नेता वेद प्रकाश सत्यार्थी ने इसे लव जिहाद बताया। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में सैयद सरावां स्थित एक मदरसे से बाकायदा मुस्लिम युवकों को इस कृत्य को करने के लिए फंडिंग कराई जाती है। हालांकि इससे पहले भी धर्म परिवर्तन से जुड़े तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेशों तक से फंडिंग की बात सामने आई है। पूर्व में 2022 में फतेहपुर और प्रयागराज में भी ऐसा एक मामला, धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया था, जिसमें प्रयागराज के नैनी स्थित एक विश्वविद्यालय से चांसलर और वाइस चांसलर समेत लगभग 36 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसका मुकदमा आज भी प्रयागराज हाई कोर्ट में बाकायदा चल रहा है। वेद प्रकाश सत्यार्थी की माने तो उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण में मदरसा के खिलाफ उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायती पत्र भी दिया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह सब कहते हुए वेद प्रकाश सत्यार्थी ने साफ लहजों में जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो तमाम हिंदू संगठन के लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि फिलहाल तो हिंदू संगठनों ने 10 दिनों की चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।